गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सूत जी ने अपने तरफ से कह दिया, नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठमेदसे यत् पादाम्बुरुहत् ध्यानाम संहिताम अध्यगामिमाम। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान अगाध है और उनके चरण कमलों का ध्यान करके मैंने यह भागवत महापुराण सुना और तुमको सुनाया और यहाँ भागवत की कथा पूरी होती। आप भागवत की कथा पूरी होने के बाद आप क्या करेंगे? हम स्वामी जी आप क्या शुरू करने वाले हो? अब सिनेमा शुरू करेंगे नौटंकी। तो शनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, वेद व्यास जी के जो शिष्य पहल आदि बड़े महर्षि महात्मा हो गए, वेदों के आचार्य थे, उन्होंने वेदों का किस प्रकार से कितना विभाजन किया ये हमको बताइए। एक ने मुझे पत्र लिखा, ईमेल, सुबह सुबह में रिप्लाई करके आया हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ ए स्थित प्रज्ञ अ वाइज मैन एंड जेम्स बॉन्ड? अब क्या करो बताओ। तो उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा तो सूत जी कहते हैं, अब इसके बाद का जो प्रसंग है ये अत्यंत सूक्ष्म है। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मण परमेष्टिनः हृद्याकाशाद् भूनादो वृत्तिरोधान् विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रिया कारकारू कारकाख्यम धूत्वा यान्त्यर पुनर्भम। हम लोगों ने पहले ये कथा सुनी है, भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल बाहर आया और उसके ऊपर में ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद अब उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि पहले बार आए, कुछ भी मालूम नहीं, कोई भी नहीं वहां। तो उन्होंने बाएं तरफ देखा तो कुछ देखा नहीं, तो इधर एक सर हो गया। जैसे आपने देखते हो ना कंप्यूटर में, यदि आप ऐसा ऐसा करो दोनों तरफ सर दिखता है। फिर दाहिने साइड देखा, इधर कोई देखा नहीं, इधर एक सर हो गया। फिर पीछे देखा तो पीछे एक सर हो गया, तो उनके चार सर हो गए। और चारों तरफ देखने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, ये सब क्या है, मैं कौन हूं, कहां कैसे यहां आया हूं, क्या मेरा प्रयोजन है। देखो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, जब हम अपने से दूर जाते हैं देश काल वस्तु में तो अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। आपके सामने पूर्व है, तो ये पूर्व कितनी गहरी है आकाश में, हम कहेंगे हमको मालूम नहीं। आपके ऊपर में आकाश है तो आपके ऊपर आकाश की गहराई कितनी है, हम कहेंगे हमको मालूम नहीं। अच्छा, काल भूतकाल कितना है, एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, एक युग, दो युग, और कितना है हमको नहीं मालूम। आगे कितना है लंबा काल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, वो भी नहीं मालूम। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम अपने से दूर जाते हैं तो अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं,
कहने का तात्पर्य। तो ब्रह्मा जी ने इधर देखा उधर देखा और मानो अपने से दूर जा रहे थे, कुछ भी नहीं है, कुछ क्यों नहीं, तुम हो ना। देखो अपने होने का भान होते हुए भी उसकी हम स्वीकृति नहीं करते, इसी के कारण जगत का निर्माण होता है। एक कहानी हमने शायद आपको सुनाई होगी। एक बार एक शिष्य था, एक गुरु महाराज थे, उनके दो शिष्य थे। अब दो में से एक को गद्दे पर बैठाना, तो गद्दे पर बैठाना या गधे पर बैठाना, एक ही बात, बैठाना। अब गधे पर बैठने के लिए लायकी तो चाहिए, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। गुरु महाराज ने देखा कि चलो देखते हैं सूक्ष्म विचार वाला कौन है, तो दोनों को दो माचिस दे दिया। ओरिजिनल कहानी में दूसरी आती है, मैं वो नहीं बताता, मैं अपनी कहानी बताता। उनको दो माचिस दे दिया और कहा कि भाई इसको माचिस के सभी तिलियों को जला के आ जाओ, लेकिन ऐसी जगह जलाना कि कोई देखे नहीं तुमको। ठीक है, जो स्ट्रीट स्मार्ट था, स्ट्रीट स्मार्ट इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी भाषांतरण है चालू। तो चालू था, वो पहुंच गया बाथरूम में, टॉयलेट में मेरे सिवा कौन है। अब फटाफट 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 जला करके, हाँ गुरु महाराज मैं आ गया, बहुत बढ़िया है रखो। और बोले अब मुझे तो बोला ऐसे नहीं, जब कोई भी कंपटीशन होती है तो सभी के रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर करेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है। दूसरे दिन ये महात्मा जी आए, दूसरा विद्यार्थी, क्योंकि 24 घंटे का समय दिया था, 24 घंटे के बाद वापस आ गए और माचिस जैसी की तैसी, एक भी तिली नहीं जलाई। बोले क्यों तुमने नहीं जलाई, तो पहला जो था चालू कर, देखो मैंने कहा था ना ये बेवकूफ है। तो गुरु ने कहा कि अब देखते हैं क्या इसका कहना है, क्यों तुमको एक जगह कोई ऐसी मिली नहीं कि जहां कोई देखता नहीं तुमको। बोले हाँ मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि जहां भी जाता था मैं तो था ही। देखो अपने होने के भान का जब तिरस्कार हो जाता है तब संसार का जन्म होता है। देखो महाराज, काली माता का जो स्वरूप आता है ना, उसमें भोले बाबा को नीचे सुला दिया। जैसे भोले बाबा को नीचे सुला दिया, एक जबान बाहर निकली और 50 वर्णों की माला, शब्दमय जगत निर्माण हो गया। और इस जगत में केवल भयानक के सिवा कुछ नहीं है। कारण क्या है, इस जगत का जो आधार है शिव जी, भोले बाबा, आनंद प्रेम त्याग की सहज मूर्ति, उनको दबा दिया नीचे। देखो प्रकृति के क्षेत्र में जाओगे तो विकृति के शिकार बनोगे, और यही सब दुनिया का झमेला चल रहा है। तो हमारे ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं क्या किया जाए क्या किया जाए। उस समय उनको ऑल इंडिया रेडियो सिग्नल को मिला, शब्द है ओरिजिनल आकाशवाणी, तो उनको आकाशवाणी सुनने को मिली। आकाशवाणी में क्या सुनने को मिला, 1621 नंबर, हाँ उस समय भी नंबर चलते थे, 1621 नंबर है त और प, सो क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ न फिर त थ द ध न और प फ व घ। सो जो त है वो 16 वर्ण है और प जो है पकार ओष्ठ वर्ण वो 21वां है। 16 21 16 21 16 21, जैसे पहले सिनेमा के यहाँ ब्लैक में टिकट बेचते थे ना, 16 रुपए का 21 में 16 रुपए का 21 में, ऐसे। और ब्रह्मा जी ने समझ लिया, अच्छा अच्छा मुझे आदेश हुआ है तपस्या करो, और उन्होंने तपस्या करी। क्या तपस्या करी,
तपस्या करी, उन्होंने अपने मूल के तरफ ध्यान किया और उस कमल का जो नाल था उसके अंदर वो घुस गए। देखो असली तपस्या अंतर्मुखी होने में है, बाहर रोने में तपस्या नहीं है, दूसरे को त्रास है। इस समझ लेना महाराज, असली तपस्या है 100% अंतर्मुख हो जाओ। और यही है यस्य ज्ञानमयम तपः उपनिषद में आता है। तो जब यह परमेष्ठी ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के पहले सोचने लगे कि दुनिया को निर्माण करूं माने क्या करूं, मालूम ही नहीं कुछ, तो उनको कहा गया कि तपस्या करो। तो उन्होंने अपने स्वरूप को देखा और जब उन्होंने अपने स्वरूप की तरफ ध्यान किया तो क्या हुआ, हृदयाकाशात अभूत नादहा, तो उनके हृदय आकाश में नाद का निर्माण हुआ। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड वॉज विद द लॉर्ड एंड द वर्ल्ड इज द लॉर्ड। तो हृदय आकाश में उनके एक नाद निर्माण हुआ और ये नाद कैसा है, यह नाद किसी प्रकार के प्रयत्न से निर्माण नहीं हुआ, यह स्वाभाविक नाद है और इसीलिए इसको कहते हैं अनाहत ध्वनि। जैसे देखो अनाहत ध्वनि को समझने के लिए ये मैं गलत उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उसका उदाहरण नहीं है। ये जो संगीतकार होते हैं ना, तो उनके पास दो ध्वनि साथ साथ चलते हैं, एक तो तंबूरा चलता है, पीछे तंबूरी बैठती है और तंबूरा लेकर के टैंग 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 चलता है, और इस तंबूरे का जो बेस है उसको लेकर के सारे गम पदनिशा का ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है। और हमारे जैसा औरंगजेब सुनने को बैठे तो परेशानी होती है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है समझ में आ गया हमारे। तो ये जो स्वरों का अवरोह या ऊपर नीचे जाना जो है, इसका आधार है वह श्रुति, उसको श्रुति कहते हैं। इसी प्रकार से एक जो अनाहत ध्वनि है, आहत माने जैसे ऐसा किया तो हमने आहत दी, खटका दिया, तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ स्पर्श होने के साथ जो ध्वनि निर्माण होता है वह प्राकृतिक ध्वनि है, और दूसरा ध्वनि है जो स्वयं उत्पन्न है, किसी के कारण नहीं है, यह मूल शब्द है, इसी को नाद ब्रह्म कहते हैं। अपने ये शारदा संगीत विद्यालय में है ना, नाद ब्रह्म विद्या मंदिर, ये है नाद ब्रह्म। तो जब उन्होंने तपस्या करी और उस तपस्या के कारण, देखो तपस्या में क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनना, शब्द, शब्द का ज्ञान, शब्द को ग्रहण करने वाला इंद्रिय, इन तीनों का जब पूर्ण त्याग हो जाता है उसके बाद जो अनुभूति है उस अनुभूति को कहते हैं नाद साधना। तो उन्होंने जगत के विषयों का त्याग कर दिया, विषयों के ज्ञान का त्याग कर दिया, विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों का त्याग कर दिया। ऐसा जब हम अपने तरफ अपने को मोड़ लेते हैं उस समय जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं नाद या अनाहत ध्वनि। तो हृदयाकाशात अभूत नादहा, और यहां आगे बताते हैं वृत्ति रोधात विभाव्यते, और ये ध्यान से सुनना, ये अनुभव जो ब्रह्मा जी को सृष्टि के पूर्व में हुआ था एग्जैक्टली वही अनुभव किसी को भी हो सकता है। कब, वृत्ति रोधात, जब हमारा अंतकरण
वृत्ति रहित हो जाता है, तो उस वृत्ति रहित अंतकरण में जो अनात ध्वनि है उसी को लेकर के कबीर पंथ में साधना बताई है। बहुत महत्व की बात। इसलिए हमने आपको एक बार बताया था ध्यान की प्रक्रिया में जहां भी आया होगा कि हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो अभाव का ध्यान करें। तो ध्यान को बैठने के बाद सिर्फ एक इंद्रिय खुला रहता है, वो कान। तो बैठ लिए, उसके बाद सभी विषयों का त्याग हो लेकिन शब्द का त्याग होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो धीरे धीरे सभी शब्दों का त्याग करते करते केवल शब्द के अभाव को सुनना प्रारंभ करो। शब्द के अभाव को सुनना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप अंतकरण की सभी वृत्तियां शांत हो जाएगी, क्योंकि अभाव का ग्रहण जिसको होता है वह भावात्मक है और अभाव वस्तु नहीं होने से अनात्म भाव नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समाहित करके ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तपस्या होती त्यागात्मक। देखो तीन तपस्या हम आपको बताएंगे। एक तपस्या हम लोग करते हैं, कौन सी तपस्या है? मैं गृहस्थों के लिए तपस्या बताता हूं, वो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो वो नहीं बता रहा। गृहस्थों के लिए तपस्या क्या है? पति के साथ रह करके प्रसन्न रहो, पत्नी के साथ रह करके शांत रहो, बच्चों के साथ रह करके गुस्सा करना बंद कर दो, माँ बाप को सह लो। ये तपस्या है। तो ये तपस्या का स्थूल रूप होगा। अब दूसरा तपस्या का रूप है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जगत के निर्माण करने वाले। तो यदि हमको कोई अच्छी निर्मिति करनी है तो हम में उस ज्ञान के भंडार के साथ निष्ठा के साथ संबंध प्रस्थापित करना है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है और वह चित्त की एकाग्रता सबसे बड़ी तपस्या बताते हैं। और इससे और बढ़कर के तीसरी तपस्या, तपस्या में त्याग का महात्म्य होता है। तो जीव के लिए और परमात्मा के लिए क्या तपस्या का रूप होगा जिसमें त्याग का महात्म्य है? जीव के लिए तपस्या होगी अपने अहंकार का बलि चढ़ा देना। देखो, क्योंकि जीव के पास है क्या? अहंकार, सबसे महत्व की बात। तो अहंकार का बलि चढ़ा देना ये जीव की तपस्या हो गई। और परमात्मा की तपस्या क्या हो गई? एकमेव अद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, वह एकमात्र है, अनंत है। तो एक होने के बाद भी अपने अद्वितीयत्व का त्याग करके द्वैत को स्वीकार करना, यह परमात्मा की तपस्या है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और इस संपूर्ण जगत को निर्माण करने की सामग्री उनको मिल गई। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में तपस्या करें। कौन सी तपस्या है? यही है, शांत रहो बाबा, शांत रहो, किसी के भी कारण दुखी मत होना। ये सिद्धांत हमने आपको 2500 बार बताया है। जो व्यक्ति दूसरे के कारण दुखी होता है वह बेवकूफ होता है। स्वामी जी, आप खुल्लम खुल्ला हमको बेवकूफ कर रहे हैं। अब बेवकूफ हो उसमें छुपाना क्या? देखो, आदमी अज्ञान के कारण दुखी नहीं होता, बेवकूफी के कारण दुखी होता है। और बेवकूफी क्या? यही है, दूसरे के कारण दुखी होते हो। डोंट कोऑपरेट विद अदर्स। किसी ने आपको मूर्ख का आपने मान लिया तब दुखी हो गए।
यदि आपने किसी ने आपको कहा कि तुम मूर्ख हो तो आप डांटो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं महामूर्ख हूं क्योंकि महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। महाराष्ट्र में मूर्ख थोड़ी होते, महामूर्ख होते, हर चीज महा है, छूटी नहीं है। इसलिए अपने वृत्ति रोधात, अपने मन के वृत्तियों को शांत रखना, ये यदि आप प्रारंभ कर दो तो उसमें आपका ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, योग आ गया, कर्म आ गया, सब कुछ आ गया। शांत रहो, शांत रहो। तो जो व्यक्ति इस शांति को ग्रहण कर सकता है वही परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है। और जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो 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 कोई जरूरत है। कई बार हमको बड़ा आश्चर्य लगता है जब प्रश्न भेजते हैं लोग, हर जगत के, हर वस्तु के, व्यक्ति के, परिस्थिति के, घटना के बारे में अपना ओपिनियन होने की आवश्यकता नहीं है। वी आर नॉट ओब्लाइज टू ओपाइन अबाउट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। स्वामी जी आपकी मुशर्रफ के बारे में क्या राय है, मेरे कोई मतलब है इसका? नहीं, मेरी आपके बारे में क्या राय है मैं बता सकता हूं कि आप टाइम पास कर रहे हो मेरा। इस जगत में किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन होने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, आप शांत रहो। इससे क्या होगा, आप खामोखाम की चीजों में फंसोगे नहीं। देखो, हमने आपको एक सिद्धांत बताया था, क्यों शब्द का त्याग करके प्रसाद बुद्धि को जागृत करो। यह ऐसा क्यों होता है, या ऐसा ही होता है, या ऐसा ही होता है माने जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। अब आपने जो हो रहा है उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो आपकी रिएक्शन बंद हो गई। जब आपकी रिएक्शन बंद हो गई तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस बेवकूफ के साथ रहना है तो कैसे रहे, और फिर विचार करना शुरू कर दो। देखो, व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग इट डजंट मीन दैट यू आर बिकमिंग ए डोरमैट। नो, यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। यू नाउ डिसाइड अंडर दिस कंडीशन हाउ टू मेक फूल ऑफ दिस ग्रेट फूल एंड मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर देखो, इसीलिए दूसरे के कारण दुखी मत बनो। तो वृत्ति रोधात विभाव्यते, यह जो अनाहत ध्वनि है उसको हम स्वयं सुनना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, क्योंकि ये अनाहत ध्वनि है, ये हमको कानों से सुनने को नहीं आएगा। आपने कभी संगीत सपना देखा होगा, और सपने में समझो आपने देखा कि आप कहीं संगीत महोत्सव में गए और वहां हमारे बड़े प्यारे पंडित भीमसेन जोशी का बढ़िया राग आलाप चल रहा था, सपने में देखा। स्वप्नावस्था कौन सी है, जहां स्थूल देह के साथ तादात्म्य शून्य होता है, उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तो उस सपनावस्था में बिना कान के हमने कैसे सुना, देखो माने जब हम अनाहत शब्द को ग्रहण करते हैं तो अपने आप मन और मन का इंद्रिय माने कर्णेन्द्रिय के माध्यम से जो तीन भागों में बटना है, शब्द, शब्द का ग्रहण करने का इंद्रिय और शब्द को जानने वाला, ये तीनों बातें खत्म हो जाती है। यही है अनाहत ध्वनि को सुनना। तो वृत्ति रोधात विभाव्यते, यदुपासनया ब्रह्मं योगिनो मलमात्मना द्रव्य क्रिया कारकाख्यम धूत्वा यान्ते पुनर्भवम्। ऐते सुनो जी महाराज, बड़े बड़े योगी यद उपासनया, बड़े बड़े योगी इस अनाहत ध्वनि की उपासना करते हैं। देखो, यही हम बात कह रहे थे अभी। और जितनी इस अनाहत ध्वनि की उपासना माने क्या, उप माने नजदीक, आसन माने बैठना,
उपासना माने इस अनाहत ध्वनि के पास जाके बैठना। यदि हमारा ध्यान अनाहत ध्वनि की तरफ गया तो जो आहत ध्वनि है शब्द स्पर्श रूप रस और अच्छा बुरा उनके ऊपर कमेंट्री, वो सभी का सभी अपने आप गायब हो जाएगा। और इसी के द्वारा चार प्रकार की बात होगी हमारे अंतकरण में। कौन सी होगी? द्रव्य क्रिया कारकाक्षम धूत्वा, हमारे अंतकरण में जो मल है, मलम आत्मनहा। अंतकरण का मल क्या है? एक है द्रव्य, दूसरा है क्रिया और तीसरा है कारक। अंतकरण का मल है पहले द्रव्य। द्रव्य माने अनात्म भावना। जगत के किसी भी अनात्म वस्तु को जब हम महात्म्य देते हैं अच्छे या बुरे के रूप में, तब वो वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। देखो, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, तो आप सब मेरे हृदय में प्रवेश करोगे तो मेरा हृदय फट जाएगा। तो फिर आप मेरे हृदय में कैसे प्रवेश करते हो? दो प्रकार से। एक तो किसी को हमने पॉजिटिव महत्व दिया है, दूसरा किसी को हमने नेगेटिव महत्व दिया है। माने ये जगत हमारे हृदय में प्रवेश करता है कि जब जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारे अंतकरण में राग द्वेष होते हैं तब। देखो, इसको कहते हैं अंतकरण का मल, गंदगी। तो जब हम इस अनाहत ध्वनि का श्रवण करने की साधना करेंगे तो पहली बात ये हो जाएगी, जितने शब्द आहत ध्वनि है, जितने जगत के विषयों का चिंतन होता है इन्हीं शब्दों के द्वारा होता है, अपने आप गायब हो जाएगा। अब देखो, इसका एक उदाहरण देते आप। एक बार हम कहीं किसी के यहां गए और कोई क्लासिकल चल रहा था और हम जाके बैठे। हमने कहा भाई बस आपको जो खाना खाओ, मैं भी खा रहा, लेकिन बात मत करना, आई एम एंजॉइंग द म्यूजिक। और कोई बहुत बड़ी गायिका थी, उनका नाम क्या है, लक्ष्मी शंकर, जो पंडित शंकर जो है ना, रविशंकर जी, उनकी बहन। इतना सुंदर उनकी आवाज है कि आहा। और हम खा रहे थे, बड़ा सुंदर माहौल था, कोई गड़बड़ नहीं थी और म्यूजिक चल रहा था और हम खाना भी खा रहे थे और मजा आ गया पूरा। तो जैसे वो खत्म हो गया, हाँ स्वामी जी नो कैन वी टॉक, ऐसा राम राम टॉको। शांत रहने में आनंद नहीं है। देखो, आदमी जब अपने से डरता है ना तब दूसरे से बोलता है, जब आदमी अपने से डरता है तब पुस्तक पढ़ता है, जब आदमी अपने से डरता है तो टीवी देखता है, जब आदमी अपने से डरता है तो कान में लगा करके घूमगा 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 घूमगा, वहां भी शांति नहीं। ये सब अपने डरपोकी के लक्षण है, इसीलिए हम अपने से दूर भागते हैं। हमने कहा बोलो क्या बोलना है। बोले स्वामी जी, ये जो संगीत आप सुन रहे थे ये कौन सा राग था? हमने कहा राग द्वेष को मारो गोली, व्हाई डोंट यू एंजॉय। देखो, अब जो इस चक्कर में पड़ा है, ये कौन सा था, ये माल कंस था कि ये कृष्ण कंस था कि ये लाल कंस था कि ये मेरपी कंस था, अब काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हो? इसीलिए जितना आपका ध्यान इस अनाहत ध्वनि पर रहेगा तो बाहर के जगत के विषय वस्तु आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण क्या है? उनके प्रति आप एकदम अब उदासीन हो गए हो। जगत के प्रति समझदारी की उदासीनता को कहते हैं वैराग्य। जगत के प्रति धक्के खाने के कारण दूर हो गए तो कहते हैं डिप्रेशन। देखो, एक लड़की का किसी के साथ प्यार हुआ और वो लड़का समझदार था। समझदारी से एक बात याद आई। एक अभी हम कहां गए थे, मांडवी गए थे और कार से हम जा रहे थे, वहां स्वामी नारायण जी का मंदिर था
तो बोले स्वामी जी हम तो प्रश्न के वाचक है ना, स्वामी जी का मतलब प्रश्न। स्वामी जी ये स्वामी नारायण के जो स्वामी लोग होते हैं ये स्त्रियों से दूर क्यों रहते हैं? हमने कहा समझदार है। दूसरा कोई कारण नहीं है। देखो ये बहुत महत्व की बात है नारायण। अच्छा तो जहां हम इस जगत के वस्तु विषयों का त्याग कर दिए, राग द्वेष हटा दिए, तो अंतकरण का जो द्रव्यात्मक मल है वो निकल गया। अब देखो किसी भी वस्तु के प्रति जब हमारे मन में महात्म्य होता है तो उस महात्म्य के कारण हमारे मन में विक्षेप आते हैं। देखो मुझे आपकी सांस को लेकर के परेशानी नहीं होती, लेकिन आपको सांस फूल जाती है, परेशानी क्या हो? क्योंकि आपने अपनी सांस को इतना महात्म्य दे के रखा है कि उसके कारण बिना उसके किए आप ऑटोमेटिकली परेशान हो जाते हो। तो करना क्या है, डिलीट, ओनली वन क्लिक। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द माउस यूज अ कैट, बट डू इट। सो मल जो है आत्मनहा मलम, अंतकरण का पहला मन है, मल है द्रव्य। दूसरा मल है क्रिया। जहां जगत के किसी भी वस्तु के प्रति महात्म्य हृदय में जागृत हो गया तो आप शांत रह बैठ सकते, ये करना है ऐसा करना है वैसा करना है किसे करना है। इसलिए एक बात समझ लो, जगत का भला करना है इस रोग को दिमाग से निकाल डालो। भला होता है तो होने दो, बाय प्रोडक्ट। जैसे गाय जब गोबर देती है ये सोचते नहीं इसका ये गोबर गैस कोई बना ले तो कितना अच्छा होगा, लेकिन देखो आदमी लोग ना समझ होते हैं, शी डजंट केयर फॉर दैट गोबर, इजंट इट? कितनी सरल बात है। इसीलिए जहां द्रव्य का जगत का महत्व मन में आया वहां क्रिया प्रारंभ हो गई, और जिसके अंतकरण में क्रिया शुरू हो गई वो शांत नहीं रह सकता। और ऐसा जो व्यक्ति है वो एक क्षण में पहचान में आता है, आंखें पट 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 किधरेगी, इधर हाथ पैर लगे लगे जैसे, और ऐसा व्यक्ति शांति में ज्यादा अशांत हो जाता है। बिकॉज ऑल ऑफ अस फंक्शन एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, बिलो दैट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस वी कैनॉट फंक्शन। इसलिए पहले द्रव्य का महत्व निकल जाएगा अनाहत ध्वनि का ध्यान करने से, दूसरा क्रिया का जो मल है वो निकल जाएगा, और तीसरा बात है कारकाख्यम। कारक माने मैं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, और अब मुझे इससे कैसी मुक्ति मिलेगी? अरे बाबा मैं को आज तक मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति मैं से मिलवानी है। देखो जिस दिन यह कर्तृत्वाभिमान का बोझा अपने सर पर उतर जाएगा उस समय देखना क्या मौज आ जाती है। इसलिए यद उपासनाया ब्रह्मन योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रिया कारकाख्यम धूत्वा यान्त पुनर्भवम्। और ऐसा जिसका अंतकरण सभी प्रकार के वृत्तियों से रहित हो गया, और ये अंतकरण के वृत्तियों को शांत करने की प्रक्रिया है इस अनाहत ध्वनि को सुनना। और अनाहत ध्वनि को सुनना माने ध्यान से सुनना, अनाहत ध्वनि को सुनना माने यह जो आहत ध्वनि है इसके प्रति उदासीन हो जाना। किसी ने गाली दी उदासीन रहो, किसी ने तारीफ करी सुपर उदासीन रहो, क्योंकि जो आज तारीफ कर रहा है कल के तारीख में वो गाली देगा। जगत का नियम, जैसे अभी दिन है तो बाद में रात आएगी, उसमें नावीन्य कुछ नहीं है। इसलिए यह ब्रह्मा जी ने जो साधना करी
जिसके द्वारा कितना सुंदर जगत का निर्माण किया, उसी प्रकार से हमको अपने हृदय का निर्माण करना है। और जहां हृदय का निर्माण किया है उसी निर्मित हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है। देखो ये सिद्धांत हम कई बार बता चुके हैं, भगवान को पाने के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, भगवान को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो, और वो तब अभिव्यक्त होगा कि जब हमको अपना बोलने का कुछ नहीं रहता, तब वो तब अभिव्यक्त होगा जब हमको अपना करने का कुछ नहीं होता तब, देखो, और वो तब अभिव्यक्त होगा जब हम गायब हो जाएंगे। जब तक हम बोलते हैं तब तक वो चुप रहता है, क्योंकि दो इकट्ठे कैसे बोलेंगे। इसलिए कि यद उपासनया ब्रह्मन योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रिया कारकाख्यम धूत्वा यान्ते पुनर्भवम्। उसके बाद उनको फिर यह जो सापेक्षता की भूमि है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस, इसमें आकर के सुख दुख के अनुभव नहीं होंगे, माने रहेंगे इसी सापेक्षता की रिलेटिव एग्जिस्टेंस में, लेकिन अनुभूति होगी एब्सोल्यूट बीइंग की। देखो परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य है जगत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी समझ में बदल आएगी। जैसे आपको बताया था, भगवान कृष्ण ने पूरी भगवद गीता बताने के बाद युद्ध का प्रसंग नहीं टला, युद्ध का प्रसंग नहीं बदला, बदला अर्जुन। पूरा भागवत की कथा सुनने के बाद तक्षक का आना और डसना वो नहीं बदला, बदले हमारे परीक्षित महाराज। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपने को बदलना, और ऐसे बदल डालना कि उसके बाद बदलाव संभव ही नहीं। हम भी बदलते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो ऐसे मत बदलो 10-10 मिनट में वो उस जानवर के जैसा, लाल रंग आया तो लाल के, भाई हारा आया तो हारे से बन गए, नहीं, ऐसे बदल जाओ कि उसके बाद बदल संभव ही नहीं। अच्छा महाराज, अब यह जो तीन प्रकार का जो मल है इसको साफ करने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाते हैं। अब ततो अभूत त्रिवृत ओंकार यो अव्यक्त प्रभव स्वराड यत्तल्लिंगम भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः। अब यह जो ओम है, माने ये जो अनाहत ध्वनि है, इस अनाहत ध्वनि को ओम कहते हैं। बाइबल में भी ये शब्द आता है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, लेकिन ये वर्ड क्या था ये यहां बताते हैं। देखो तो यह जो शब्द है जिसको स्पोत कहते हैं, जो अनाहत ध्वनि है, अनक्रिएटेड साउंड, प्रिमोर्डियल साउंड, इसके तीन भाग है, त्रिवृत। तो तीन वृत्त कौन से है? अकार, उकार और मकार। मकार नहीं, हमारे पंजाबी बंधु जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर बनाते। मेरा सत्त चित्त आनंद कहां का सत्तू ले आए भगवान जाने। तो ततो अभूत त्रिवृत ओंकार, तो ये तीन मात्राओं वाला जो ओंकार है, और इस ओंकार का प्राकट्य हुआ, अभूत प्राकट हुआ। तो अनाहत ध्वनि का प्राकट्य ओम के रूप में होता है, और इस ओम में तीन मात्राएं, देखो कैसे एक से अनक की तरफ जा रहे हैं हम, इसको पूरा ध्यान में रखना। एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, उसी एकमेवा द्वितीय ब्रह्म को नारायण का रूप ले लिया। नारायण का रूप लेने के बाद उनके नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी आए, और उस ब्रह्मा जी ने फिर उस अनाहत ध्वनि को सुना, और इस अनाहत ध्वनि का अर्थ है ओम, और इस ओम की तीन मात्रा है, माने सभी का सभी
परब्रह्म से लेकर के जगत के ईंट पत्थरों तक केवल परमात्मा का ही विस्तार है। ध्यान से सुनना, अपने को उस परमात्मा रूप से समझ लेना, पहचान लेना, यह योग की स्थिति है और यह संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा का विस्तार है, यह विभूति की स्थिति है। दसवें अध्याय का यही विषय है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो अपने को तत्वतः सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप पहचान लेता है, ऐसा नहीं मैं तो परमात्मा हूं लेकिन लोग बड़े भयानक है बाबा क्या करें, तो आपको कुछ नहीं हुआ, अभी बेवकूफी बढ़ गई है। देखो सबसे ज्यादा माया मालूम है कैसी कार्य करती है, व्हेन वी स्टार्ट इमेजिनिंग दैट आई एम वाइज, द इल्यूजन ऑफ विजडम इज द हाईएस्ट इल्यूजन। इसलिए यह प्रक्रिया उस एक तत्व की तरफ ध्यान लगाने की है। तो उससे ओंकार प्रकट हुआ और यहां अव्यक्त प्रभवः स्वराट, और ये जो ओंकार है यही अव्यक्त प्रकृति को अब विचलित करके यहां से महत्तत्व, महत्तत्व से तीन प्रकार के अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार से स्थूल जगत, उसको ग्रहण करने की ज्ञानेन्द्रिया और जीव, ये तीनों बातें निर्माण हो जाती है। तो यही परमात्मा की काल शक्ति है। तो ये तीन रूप में प्रकट हुआ और उसी शक्ति से, ओंकार की शक्ति से अव्यक्त अनमैनिफेस्ट परमात्मा या प्रकृति में परिणाम होकर के वह महत्तत्व और स्थूल रूप को धारण कर रही है। और यह जो है यत् तल्लिंगम भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः, इसीलिए जो ओम है यह परमात्मा का लिंग है। लिंग का तात्पर्य जिसके द्वारा किसी को पहचानते हैं उसको लिंग कहते हैं। जैसे तिरंगा झंडा भारत का लिंग है, तो जिसके द्वारा लखाया जाता है उसको लिंग कहते हैं। और यही विचार आपको कठोपनिषद में मिलेगा। एतदालंबनम श्रेष्ठ एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह जो ओंकार है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यच्चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यमराज नचिकेत को यही उपदेश करते हैं अपने कठोपनिषद। यह जो ओम है, इस ओम के शक्ति से इस अव्यक्त प्रकृति में हलचल हो करके वहां से महत्तत्व और महत्तत्व से विराट पुरुष और संपूर्ण जगत की निर्मिति होती है। और इसीलिए यह ओम परमात्मा का ही ध्वनि होने से यह अनादि शब्द है और अनादि होने के कारण यह अनाहत ध्वनि है। और इसीलिए जितना हम इस ओम का जो ओंकार साधना करते हैं, तो धीरे धीरे साधना करते करते हमारा मन एकदम शांत होने लग जाता है। पंचदशीकार लिखते हैं, देखो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि जगत के दुखों के कारण, परेशानी के कारण ही मनुष्य ध्यान के लिए बैठता है तो चित्त विक्षेपित हो जाता है, ये कोई आवश्यकता नहीं। कई ऐसे हैं कि जिनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, उदाहरण बाबा जी, ना बीबी है, ना बच्चे है, ना पैसे कमाने का चक्कर है, ना इनकम है, ना टैक्स है, फिर भी शांत नहीं बैठ सकते। देखो तो कारण क्या है, कारण यही है कि यह जो अनकंट्रोल्ड, किसी प्रकार के नियंत्रण से रहित मन में जो विक्षेपित करने की आदत पड़ गई है, वो आदत नहीं जाती। ऐसा नहीं कि हम हमेशा चिंता ही करते हैं, चिंता नहीं करते, खामोखाम का विचार करते। तो यह जो अनावश्यक विचार करने की जो आदत है,
इससे निकलने के लिए बताते हैं दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। मनोराज्य माने विचार करने की आदत। यहां बैठे हैं, विचार शुरू कर दिया, यदि मैं समझो स्विट्जरलैंड में पैदा होता तो कैसा रहता, कहां रहता है? अरे बाबा तुम यहां ठीक बोलो, क्यों स्विट्जरलैंड जा रहे? नहीं, ऐसे टाइम पास कर लिया। ये जो आदत है हो जाती है, इसको दबाने के लिए ओम दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, ओंकार का दीर्घ उच्चारण करे। ओ जितना दीर्घ और गंभीरता से इसका उच्चारण धीमे धीमे करेंगे उतना आपका मन शांत होने लगेगा। ऐसे नहीं ओम 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 ओम, वो ओम का कार्टून है, ओम नहीं। प्रणव का उच्चारण हमेशा दीर्घ करना चाहिए। तो यह जो ओंकार है अनादि है, स्वयं प्रकाश होने के कारण परमात्मा का ही स्वरूप है, और इसी इस एक ओम के द्वारा भगवान कहो ब्रह्म कहो या परमात्मा को, तीनों का एक ही अर्थ है। भगवान भक्ति शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्मन वेदांत में कहते हैं, और परमात्मा योग शास्त्र में कहते हैं। शब्द तीन है, तात्पर्य एक ही है। तो यह भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः स्वराट लिंगम, यह स्वयं प्रकाशित जो लिंग है यह परब्रह्म परमात्मा का है, भगवान का है या परमात्मा ब्रह्मन का है। इस प्रकार से श्रृणोति इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य द्रुप ये न वाग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः। एक स्टेप फर्दर आगे कहते हैं कि यहां इमं स्फोटम श्रृणोति, जो इस स्फोट माने अनाथ ध्वनि का जो चिन्ह है ओम, जो इसको ध्यान रख करके सुनना प्रारंभ कर देता है तो क्या होता है? सुप्त श्रोत्रे च शून्य द्रुप माने शब्द जो श्रवणेन्द्रिय के साथ सुनने को आते हैं उनको नहीं सुन रहे। कैसे संभव है? अब भी आप कर रहे हो, मैं बोले जा रहा हूं और आपका दिमाग कहां जा रहा है? आपको लगता है मुझे यहां बैठ के समझ में नहीं आता? हर एक के मन की जो खुजुड़ खुजुड़ है ना, यहां से क्लियर एकदम मिल जाती है। हमारा स्टेशन बड़ा पावरफुल है। तो देखो क्या हो गया, आपने ये बाहर के शब्दों का त्याग करके अपने ही मन के शब्दों के साथ खेल रहे हो ना। तो वो कौन बोल रहा है आपसे? कोई नहीं बोल रहा, आपका ही मन बोल रहा है अंदर से कि अब ये लेक्चर खत्म हो गया, पता नहीं जब भी खत्म होगा जाकर के नीचे में आज पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट को बना है, वड़ा बना है कि इडली बनी है कि डोसा बना है। जाते जाते खत्म हो जाता है कई बार, फिर वो कितने बार बताया ज्यादा बना के रखो। बैठे हैं भागवत को सुनने के लिए और विचार चल रहा है भोगवत नॉट भागवत नारायण। तो यहां इमं स्फोटम श्रुणोति, जो इस ओंकार के ध्वनि को अपने अंतकरण में सुनता है, माने शब्द के अभाव में जिस शब्द का ग्रहण होता है उसको कहते हैं अनाथ ध्वनि। और यही साधना करो, अभाव को जीवन का एक लक्ष्य बना दो। सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न, इन दोनों भावात्मक अनुभूतियों का संपूर्ण अभाव रहता है, लेकिन जो संपूर्ण अभाव में भी रहता है वह अपना असली स्वरूप है। देखो हमारे सदाचार ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य के वहां कहते हैं लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम ससंधि साधितो येन
स मुक्त नात्र संशय। मनहा निरामिषम, मन वेजिटेरियन रहता है। निरामिषम कब? लय और विक्षेप की संधि में, माने मन विक्षेपित भी नहीं है और मन सो भी नहीं गया है। विक्षेपित होना माने रजोगुण का प्रभाव, सो जाना माने तमोगुण का प्रभाव। जब हमारे अंतकरण से रजस और तमस दोनों पूर्ण रूप से निकल जाते हैं तो रजस तमस रहित अंतकरण को सत्व शुद्धि कहते हैं। ऐसा जो सात्विक अंतकरण है उसी में परमात्मा का प्राकट्य होता है। और ये कहां है? इन दोनों की संधि में। जैसे उदाहरण ले लो यहां का, यहां तीन माइक है तो ये जो माइक नंबर एक है इसको हम ग्रहण कर रहे हैं भावात्मक दृष्टि से, यह माइक है। जब हम इस माइक की तरफ देख रहे हैं, फिर दूसरे माइक की तरफ देखते हैं, फिर तीसरे की तरफ देख रहे हैं, तो हम कहां जा रहे हैं? हम अब अनात्म भाव में नष्ट हो रहे हैं क्योंकि माइक की तरफ ध्यान है और माइक मैं नहीं हूं, तो मेरा ध्यान कहां हो गया? अनात्म भाव के प्राधानता से चल रहा है। तो ये जगत का जो ज्ञान है यह अनात्म ज्ञान है। लेकिन अब ये दो माइक के बीच में जो माइक का अभाव है, इस माइक के अभाव को कौन जान रहा है? इस माइक के अभाव को मैं जान रहा है। तो यह जो मैं है यह भावात्मक है। इसीलिए जगत के अनात्म दर्शन के अभाव में ही परमात्मा के भाव की अनुभूति होती है। बड़ा सरल है महाराज, कोई कठिन नहीं। इसके लिए करें क्या? जगत को लेकर के परेशान मत होना। बहुत सरल साधना है, यही यहां बताते हैं। श्रृणोति यम इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य द्रुप, सुप्त सोने में। तो जो वस्तु सुषुप्ति अवस्था में होती है वो सत्य है। सुषुप्ति अवस्था में पत्नी तो नहीं होती क्योंकि वो असत्य है। सुषुप्ति अवस्था में बीमारी नहीं होती क्योंकि वो असत्य है। सुषुप्ति अवस्था में स्वास्थ्य भी नहीं होता क्योंकि वो असत्य है। फिर सत्य क्या है? सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान होता है, अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे पत्नी नाम की वस्तु है वैसे अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। जब हम कहते हैं कि आई एम इग्नोरेंट, इग्नोरेंट ऑफ व्हाट? किसका अज्ञान? जैसे ये चाबी एक वस्तु है ठोस, उसी प्रकार से अज्ञान नाम की कोई ठोस वस्तु नहीं है। अज्ञान किसी वस्तु का होता है। हमको भगवान का ज्ञान है, हमको भागवत का ज्ञान है, हमको अंग्रेजी का ज्ञान है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में केवल अपना ही भाव होता है। तो जो सभी के अभाव में रहता है वही सत्य है। और इसीलिए सत्य वो है कि जो भाव अभाव दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए यहां पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने कहा था सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, विष्णुम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि। यदि आप व्याकरण का गणित लगा लो तो गलत नहीं होता है। लेकिन तत्व का प्रतिपादन हो रहा है इस सुंदर ग्रंथ में, किसी एक नाम रूप में फंसने के लिए नहीं है। इसलिए यह श्रोणोति इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य द्रुक। इसी प्रकार से जब हमने अपने आंखों के द्वारा रूप रंग देखना प्रारंभ कर दिया तो जहां हमने रूप रंग देखा तो जाकर के जगत के अनात्म वस्तु में नष्ट हो रहे हैं। और जहां हमने अपनी आंखें बंद कर ली या एकदम सॉलिड अंधेरा कर लिया और आंखें खुली रखी, उस समय क्या अनुभव है आपका? उस समय आपको रूप रंग का दर्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देखने वाले पैदा नहीं हो गए। और क्योंकि आप देखने वाले पैदा नहीं हुए तो आप केवल मात्र हो, देखने वाला नहीं।
टोपी वाला या पालकी वाला कोई नहीं, केवल मात्र हो। ये जो मात्र अस्तित्व है यही अपनी पहचान है। इसी को योग शास्त्र में कहते हैं शांभवी मुद्रा। अंतर्लक्ष बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता, लोगों के दृष्टि से हम देख रहे हैं जगत को, लेकिन जो देख रहा है उसको पूछो ध्यान कहाँ है। जैसे पागल लोग होते हैं, पागल लोग हमारे दृष्टि से पागल है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। वो पागल क्यों है? क्योंकि वो हमारे जैसे पागल नहीं, दूसरे टाइप के पागल है। हम भी पागल ही और क्या है। इसलिए शृणोति इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य ध्रुव ये न वाग व्यज्यते यस्य शक्तिराकाशे आत्मनः। और जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति शून्य हो जाती है, माने जब हम सुनना बंद कर देते हैं, उस समय जो अनुभव है वह अपने स्वरूप का अनुभव है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सभी अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को सुनता है, वह सुषुप्ति समाधि अवस्थाओं में भी सबके अभाव को जानता है और वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है, और वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर के वेदवाणी को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से वेदों की आत्मा ओम है प्रणव। इसलिए भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में, प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खे पौरुषम नृषु। वेदों में जो प्रणव ओम है वह मेरा स्वरूप है, और आकाश में जो शब्द तन्मात्रा है वह मेरा स्वरूप है। शब्द तन्मात्रा में किसी प्रकार के वर्ण का निर्माण नहीं हुआ। जैसे रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा माने वह शक्ति जिसके द्वारा खट्टा मीठा नमकीन इत्यादि सभी रसों को ग्रहण कर सकते हैं, वह जो रस शक्ति है उसको कहते हैं रस तन्मात्रा। इसी प्रकार से यह जो शब्द तन्मात्रा है, इसी शब्द तन्मात्रा के कारण हम सभी प्रकार के शब्दों को ग्रहण करते हैं, अर्थयुक्त अर्थहीन अच्छे बुरे। तो यह जो इस स्फोट को ओंकार को इस प्रकार से सुनता है वही परमात्मा के विशुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है, और वही परमात्मा है। और यही जो ओम है हृदय में प्रकाशित होकर के प्रकट होकर के जगत का निर्माण करता है। इसीलिए वेदांत में बताते जगत माने क्या, जगत माने नाम रूपात्मक जगत। किसी भी वस्तु का हमको जब दर्शन होता है ना, तो वो दर्शन हमेशा रूपात्मक होता है। रूप का अर्थ ये मत समझ लेना लंबाई चौड़ाई केवल, रूप का अर्थ है जिस भी वस्तु का ज्ञान हमको अनात्म भाव से होता है उसका आकार है। तो शब्द का रूप है, गंध का रूप है, और रूप रंग का रूप है, स्पर्श का रूप है। स्पर्श का रूप कैसा है? ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा सॉफ्ट है, ये बड़ा गर्म है, ये बड़ा ठंडा है। तो ये जो भिन्न भिन्न रूप है, इन सभी रूपों के माध्यम से यह परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए जहां हमने ये न वाग्यते व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाशे आत्मनः, तो यही परमात्मा हमारे हृदय में पहले ओम के रूप में प्रकट होता, और ओम की अभिव्यक्ति रूप में होती है, और हरेक रूप का नाम होता है। देखो अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है तो वहां के लोग बड़े सिंपल हैं, बाप का चक्कर ही नहीं, माँ तो होती ही है, तो माँ का तो नाम पहले ही लिखा होता है वहां उनके रजिस्टर में, बाप का चक्कर नहीं। अब तीसरी बात, जैसा बच्चा पैदा हो गया तुरंत वो चाहते हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि उनको रजिस्टर भरना है पूरा, तो पहले ही ये नाम तैयार करके रखते हैं।
खैर आजकल तो पता चलता है कौन आने वाला है कि आने वाली है। तो पहले ही बच्चा पैदा पहले होने के पहले नाम रख दिया, माने हर रूप की पहचान नाम के माध्यम से होती है। देखो ये जो षोडश कला पुरुष का वर्णन आता है प्रश्नोपनिषद में, उसमें परमात्मा की जो 16 कलाएं हैं उसमें एक कला है नाम। और देखो आदमी इस नाम में कैसा फंस जाता है। हम इतना दान धर्म करेंगे लेकिन हमारे नाम से सकूल होनी चाहिए। देखो और आप मरने के बाद ये नाम किसका है किसी को पता नहीं। देखो ये नाम, दीज आर कॉमन नेम्स। किसी का नाम होता है अशोक, अब अशोक कौन, अशोक कई हो के चले गए, गांधी कितने आके चले गए, लेकिन ऐसे लगता है मेरा नाम अमर होना चाहिए। जब तुम अमर नहीं हो सके तो नाम क्या अमर होगा। यही ये वो चक्कर है ना दुनिया में फंसने का, यही चक्कर है। इसीलिए साधक इस जगत में ऐसा रहे कि कहीं अपना नाम वो निशान ना छोड़े। तो यह जगत माने क्या, नाम रूप का प्राधान्य जहां है वो जगत है, और नाम के प्रधानता से मुक्ति पाने के लिए भगवान का नाम लो, और रूप के प्रधानता से मुक्ति पाने के लिए भगवान के रूप को पकड़ो। और ये नाम रूप को कहां पकड़ना है, जगत के नाम रूप को हम बाहर पकड़ते हैं तो भगवान के नाम रूप को अंदर पकड़ो। तो भगवान के रूप को लेकर के जो साधना है ध्यानाभ्यास है उसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध संविकल्प समाधि। और जो भगवान के नाम को लेकर के ध्यान का अभ्यास है उसको कहते हैं शब्दानुविद्ध संविकल्प समाधि। और ये दोनों समाधियां जब शांत हो जाती है तब जाकर के हम निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं। इसीलिए असंप्रज्ञात समाधि, जहां सभी वृत्तियां शांत हो गई, जहां वृत्तियां शांत हो गई वहां नाम भी नहीं रूप भी नहीं है, और जहां नाम रूप गायब हो गया वहां संसार गायब हो गया। सुषुप्ति में आपका क्या नाम होता है, सुषुप्ति में आपकी फिगर कैसी होती है, कुछ नहीं। इसीलिए इस जगत में रहना माने ये नाम रूप के चक्कर में मत फंसना। किसी ने कुछ कहा तो कहने दो। इसीलिए हमने आपको बताया था, एक महात्मा जी को किसी ने कहा ये पता नहीं कैसे मोटे के मोटे हो गए, तो महात्मा जी हंस रहे थे। तो उनका जो चेला था उसने कहा कि देखो आपको ये अच्छा बुरा कह रहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। बोले गुस्सा क्या आ रहा है, वो तो मेरी ही बात कह रहा है, मैं भी कहता हूं कि देह गंदा है, मैं देह हूं ही नहीं, तो यदि कोई मेरे देह को टोकेगा तो अच्छी बात है, मेरी साधना वो दृढ़ करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और मोटे को मोटा कहो तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है तुमको पतला कहे नहीं, क्यों कहा ऐसा। इसे देखो ना महात्मा लोग जब किसी को मिलते कहते कि भगवान आइए, संत जी आइए, कैसे हो महात्मा जी, स्वामी जी आप हमारी खिंचाई कर रहे हैं, ठीक है बेवकूफ आ जाओ, आप उनको गाली दे रहे, अरे बाबा बात कैसी करें, आपको भगवान कहा तो मंजूर नहीं है, बेवकूफ कहा तो और गुस्सा आता है, माने क्या वो हमको उपदेश देते चुप रहो, बोलना बंद करो नारायण। तो यह स्वधामनो ब्रह्मणा साक्षात वाचकः परमात्मनः यह सर्वं मंत्रोपनिषद निषद एतद् बीजं सनातनम्। तो यह जो ओंकार है यही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात वाचक है। इसीलिए कोई भी मंत्र बिना ओम के पूर्ण नहीं होता। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। यह जो गायत्री मंत्र है इसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये 8-8 अक्षर के 24 अक्षर वाला मूल मंत्र है।
लेकिन ये मंत्र का उच्चारण करना हो तो पहले तीन व्याहृति जोड़ते हैं, भूर भुव स्वाहा, ये भूर भुव स्वाहा, ये इसी ओंकार के तीन पाद है, अ उ और म, और इसीलिए पहले ओम भूर भुव स्वाहा फिर तत्सवितुर्वरेण्य आता है, तब जाकर के ये मंत्र की सिद्धि होती है। इसीलिए सभी मंगलता के सूचकों में ओम सर्वश्रेष्ठ है, और यही ओम सभी धर्मों में है, उसने रूप भिन्न भिन्न पकड़ लिए है वही, और इसीलिए ओम को लेकर के किसी का झगड़ा नहीं। तो यह ओंकार स्वधामना ब्रह्मणा साक्षात वाचक परमात्मना, यह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात वाचक है, माने डायरेक्ट नाम है। देखो सुवर्ण को जब आप वेडिंग रिंग कहो तो सुवर्ण को गाली दी आप, और जब किसी को गाली दोगे तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, क्या शादी के बाद दुखी होगी। और यदि सुवर्ण को सुवर्ण रहने दो, सोने को सोना कहना ये सोने का आदर है, सोने को गहना कहना यह सोने का अनादर है। देखो परमात्मा को परमात्मा कहना या उनको ओम कहना ये परमात्मा का आदर है, और उसी परमात्मा को जीव जगत ईश्वर के रूप में छिन्न भिन्न कर देना ये परमात्मा का अनादर है। और इसीलिए जो एक तत्व में अनेकता का दर्शन करता है वह अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। उपनिषद कहती है यह एतत् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं गतो भवति, जो व्यक्ति इस अद्वैत तत्व में इतना भी भेद निर्माण करता है उसके जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यह ओंकार परमात्मा का साक्षात वाचक है, और यही संपूर्ण मंत्र है, यही उपनिषदों का तत्व है, और यही वेदों का सनातन बीज है। तो सबसे बड़ा मंत्र ओम है, और जितना इस ओम की साधना करते जाओ, ओम की साधना करने माने में क्या है, कृष्ण की साधना करो, कृष्णा 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 कृष्णा, आपकी गोपियां कहां चली गई, शुरू किया कृष्ण को, ध्यान गया गोपियों पर, राम 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 राम, वो राक्षसों को माला था कितने थे वो जरा बताना, मैं नोट कर रहा हूं। ओम शुरू करो, ओम, कोई भी व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता, जिस शब्द के द्वारा व्यक्तित्व की निर्मिति नहीं होती वह शब्द निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक होता है। बाकी कोई भी शब्द ले लो आप, वहां किसी ना किसी व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जो राम के भगत है उनको कृष्ण का कुछ बात बताओ, जी हमको नहीं वो कृष्ण अच्छे लगते हैं, ही वाज टू चीप। एक हमारे मित्र है वहां जयपुर में, बड़ा आनंद है, शायद हमने आपको बताया, उनके माँ बाप का नाम है राम जानकी, उन्होंने माँ बाप के नाम से एक मंदिर बनाया राम जानकी धाम, हमको ले गए थे उद्घाटन के लिए। वहां जाने के बाद राम जानकी धाम होगा तो आपके दिमाग के सामने क्या चित्र होगा, वहां भगवान राम का मंदिर होगा। वहां गए, भगवान राम का नामो निशान नहीं, कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है और बढ़िया चल रहा है, और वो व्यक्ति केवल कृष्ण की ही बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई आप बदल डालो ने बोर्ड, राम जानकी धाम क्यों लगा है। अरे स्वामी जी क्या बताओ, मैं परेशान हूं। तो क्या है, मेरे माँ बाप का नाम राम जानकी था, उनके नाम से मैंने रखा, लेकिन मुझे राम जानकी से बिल्कुल मतलब नहीं, मुझे कन्हैया अच्छा लगता है। ले राम कोई भगवान था, सबको परेशान किया, अभी भी कर रहा है, हमारे कन्हैया लाल मस्त रहे, आनंद में रहे, चुस्त रहे, हमको तो वो मजा आता है। तो जहां हमारा मन नाम रूप में फंस गया वहां संसार बना है। इसीलिए इस ओम का जप यदि आप करो, शांति से बैठ करके माला फिराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, जब दो समय किया जाता है, एक तो अपना नियम पूरा करने के लिए, नियम पूरा करने से लोगों को शांति मिलती है, समझो आपने नियम ले लिया है कि जब तक के मैं
125 हरे कृष्ण की माला पूरी नहीं करूंगा तब तक के करूंगी ऑब्लिक तब तक के चाय पानी नहीं पियेंगी। तो क्या होगा, सुबह सुबह उठ करके जो मम्मी है ना इसमें लग जाती है ना, घर में इतनी शांति रहती है। पहले जब वो जाती नहीं थी ना इस्कॉन के मंदिर में, सुबह उठ करके जल्दी उठो परेशान कर देती है। भगवान धन्य है, जब से मेरी माँ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया घर में शांति शांति। तो ये जो नियम की मालाएं होती है इसके द्वारा जगत का भला होता है। जगत का भला इसलिए होता है कि हम उनको परेशान करना बंद कर दें। शांति से मतलब है, आप किसको मिल रही क्या मालूम। तो और दूसरा जो जप करते हैं वो जप करते हैं ध्यान के समय अपने स्वरूप में लीन हो जाने के लिए, और उस समय ये दीर्घ प्रणव का उच्चारण करें या कोई भी आप जप करो, जैसे ओम नमः शिवाय, शांत आगे कुछ नहीं पीछे कुछ, फिर ओम नमः शिवाय। इसमें निष्ठा प्राप्त होने के बाद, इसमें निष्ठा क्या है, हमारा ध्यान शब्द की तरफ है। फिर दूसरा स्टेप ओम नमः शिवाय, फिर शांत, फिर ओम नमः शिवाय, फिर शांत। और यहां ध्यान है शांति की तरफ, और पहले शांति 1/1,000,000 सेकंड, और धीरे 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 इस शांति को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह जो जप साधना है यह ध्यान के समय की करने की जप साधना है। उस समय माला लेकर के झटकना मत वो मत करना। एक सज्जन में देख रहा था कहां थे, रो रहे, क्या हो गया प्रभु, स्वामी जी पता नहीं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया, वो क्या क्या बताओ। बोले ये माला जो दी है ना अंदर में अट जाती है और निकलती नहीं है, मैं तो क्या करूं, फेंक दो माला को, फेंकने का पाप नहीं लगेगा, मैंने मुझ में फेंक दो पाप मैं ले लूंगा, रोना मत। भगवान का नाम लेके रोते हैं। तो यह ओंकार परमात्मा का साक्षात वाचक है और यही संपूर्ण मंत्र है, यही उपनिषदों का प्रतिपादित सिद्धांत है और यही वेदों का सनातन बीज है। उसके बाद कहते हैं तस्य या संश्रयो वर्णा अकाराद्य भृगुद्वः धार्यन्ते यस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः। अब यह जो ओम है कहते हैं इस ओंकार के त्रयावर्णः, इसके तीन वर्ण है, अकार उकार और मकार। अब देखो ये जो शब्द है ओम, इसमें अ प्रारंभ हो जाता है अपने कंठ से बिना किसी प्रयत्न के। जब आप हवा बाहर छोड़ो तो उच्चारण हो जाता है अ, आपको समझो राम कहना है तो जिह्वा को ऊपर जाकर टिकना होगा तब राम कहोगे। जब आपको तबला कहना है तो त, जब अपनी जिह्वा जब तक के अपने दांतों को नहीं चिपकती तब तक के त नहीं कह सकते। फिर जिनके दांत मिलते वो के अबला, तबला का अबला बन जाता है क्योंकि त की दांत ही नहीं है वहां। लेकिन जब हम अकार का उच्चारण करते हैं तो उसमें ना तो होठों की जरूरत है, ना तो जिह्वा की जरूरत है, ना तो दांतों की जरूरत है, इसीलिए इसको आद्य वर्ण कहते हैं। तो अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान कहते हैं, जो प्रथम उच्चारण है शब्दों का वो है अ। उसके बाद जो अंतिम उच्चारण है वर्णों का वो है म, क ग च छ ट न तथ दधन प ह ब भ म, ये सभी के सभी होठों के द्वारा निर्माण होते हैं, इसीलिए इनको ओष्ठ कहते हैं। और जो मकार है ये वर्णों का अंतिम उच्चारण है, इसीलिए पूरी की पूरी जो कोई भी भाषा ले लो, आप संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, अंग्रेजी ले लो, कोई भी भाषा ले लो, सभी भाषाओं का जितना भी शब्द संग्रह है
तो सभी का सभी केवल ये दो के बीच में है, अकार से प्रारंभ होता है और मकार में समाप्त हो जाता है, और फिर अ और म के बीच में जो विकार है, जो अनेक विकल्प है, वो विकल्प हो जाते हैं जिह्वा के द्वारा, उस अ को हम बदल देते हैं, इसीलिए उसको ऊ कहते हैं। तो अ ऊ और म संपूर्ण विश्व के सभी भाषाओं का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो है ओम। तो इसके तीन वर्ण है अ ऊ म, तो ये तीन ही वर्ण क्या है आगे बताते हैं, गुण नाम अर्थ वृत्तयः धार्यन्ते। ये तीन तीन चीजों को गुण नाम अर्थ और वृत्ति इनको धारण करते हैं। पहले गुण कौन से है तो कहते हैं रज सत्व तमस, यह जो गुण है ये तीन गुणों को ये अ उ और म धारण करता है। अ है सत्वात्मक, र है उ स्वरूप, और म है तमात्मक तमोगुण। सो ओम अ से प्रारंभ हुआ, उ में रहा, म में खत्म हो गया। उसके बाद रुक यजु और साम, ये तीन नाम है इन्हीं ओम के, इसी परमात्मा के। ये जो तीन प्रकार के मंत्र के रूप है, छंद है, उसको लेकर के तीन वेद कहते हैं। तो यह जो तीन नाम है उसी ओंकार के, रुक यजु और साम। उसके बाद भूर भुव स्वाहा, ये तीन अर्थ है, अकार का अर्थ भू, भूहा और स्वाहा मकार उकार का रिस्पेक्टिवली, और वृत्तया इसी तीन के द्वारा अ उ म के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का वर्णन किया जाता है। इसीलिए यह जो ओम है यह संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त, क्रियात्मक और निष्क्रिय, नाम रूपात्मक और निर्गुण निराकार सभी पदार्थों का एक शब्द के द्वारा जो वर्णन है वह शब्द है ओम। पूरा मांडुक्य उपनिषद इसमें आ गया। देखो जो वेदांती कहते हैं ना भागवत में क्या रखा है, पढ़ के देखो बोलना भागवत में क्या रखा है। जिनके हृदय में वेदांत का अध्ययन करने के बाद पुराण और भक्ति इनके प्रति तिरस्कार बना रहता है वो शुष्क वेदांती है, वो लिपस्टिक वेदांती है, उनके लिपों में वेदांत की स्टिक लगी हुई है, इसीलिए लिपस्टिक वेदांत। तो यह चार बातें गुण सत्व रजस तमस, उसके बाद नाम रुक यजु साम, उसके बाद अर्थ भूर भुव स्वाहा, ये तीन जगत, और वृत्तया तीन प्रकार के अनुभूतियां जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन सभी भावों को ये एक ओम धारण करता है। उसके बाद कहते हैं ततो अक्षरम समाम्नायम असृजत भगवान जहा अंतस्थोष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घादि लक्षणम। अब देखो कितना साइंटिफिक है यहाँ, कहते हैं उसके बाद उसी ब्रह्मा जी ने जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के ही अभिव्यक्ति है, उन्होंने इसी ओंकार से 50 वर्णों की वर्णमाला का निर्माण किया। कौन सी है वो वर्णमाला, पहले कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ माने य र ल व, इनको अंतस्थ कहते हैं। उसके बाद उष्म, उष्म माने श स स ह, ये चार उष्म है। उसके बाद स्वर माने अ से लेकर के अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ रु रु लु, ये जो है 13 ये हो गए स्वर। उसके बाद आ जाते हैं स्पर्श, स्पर्श माने वर्ण क ख ग घ, 25 जो वर्ण क से लेकर के म तक के ये सभी के सभी, और उसके साथ साथ ह्रस्व और दीर्घ, अकार आकार इकार ईकार उकार ऊकार, ये ह्रस्व दीर्घ जो है ये निर्माण हुए, और इसी के द्वारा 50 वर्णों की ये वर्णमाला तैयार हो गई। देखो इतना साइंटिफिक वर्णन आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। देखो एक परमात्मा उसका जो स्वाभाविक अनाहत शब्द है नाद ब्रह्म,
इसी नाद ब्रह्म की अभिव्यक्ति होते होते यह पूर्ण वर्णमाला तैयार हो गई और इसी वर्णमाला के द्वारा जगत के नाम रूप का संबोधन होता है, जगत के नाम रूप का अनुभव होता है और ये सभी के सभी उसी एक परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह वर्णमाला निर्माण हो गई। और फिर ब्रह्मा जी ने आगे क्या किया, कहते हैं उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार प्रकार के ऋतुजों को कर्म करने के लिए ओंकार और व्यावृत्तियों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देख करके उनको वेदों की शिक्षा दी। जब सभी धर्म का उपदेश करने निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उसका अध्ययन कराया। फिर उन्हीं लोगों के जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य थे उनको यह ज्ञान दे करके ये वेदों की संप्रदाय के रूप में रक्षा करते रहे। इस प्रकार से द्वापार तक ये चलता रहा और द्वापार के अंत में जब वहाँ के ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति, बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग कर दिए। ये बात समझ लेना ठीक से। जो कई बार ऐसी विचार है, मुझे किसी के बारे में कहा, एक अम्मा मुझे आके मिली, बोले स्वामी जी ये जो अम्मा है ना पहले उनके साथ थी, अब वो छोड़ के अलग हो गई। हमने कहा देखो आप जो कह रहे हैं आपके कहने का भाव ठीक है लेकिन उसका प्रतिपादन गलत है। ये बात समझ लो, जगत हमेशा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। इस जगत में कोई किसी को छोड़ता नहीं, कोई किसी को पकड़ता नहीं। जिसको समझ होती है वो ऐसा गलत विचार नहीं करेंगे। अब उदाहरण ले लो, एक बाप है और उसका बिजनेस चल रहा है और उसका लड़का कहता है कि डैडी आई डोंट लाइक योर बिजनेस, आई विल डू माय ओन बिजनेस, और वो अपने बाप को छोड़ करके दूसरा इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करता है और बहुत बड़ा बनता है, तो क्या उसने अपने बाप का अपमान किया है? देखो विस्तार यही जगत का निर्णय है, यही जगत का नाम है, यही जगत का रूप है। लेकिन फिर हम गलत फहमी में आकर के उसी को विकृत रूप धारण करते हैं। हमने कहा देखो ये चक्कर में मत पैन फंसना, एक बात समझ लेना, बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे दूसरे वृक्ष नहीं बढ़ते। इसीलिए जिनकी हिम्मत होती है वो इस प्रकार से चल पड़े, ये महत्व की बात है। आगे जाकर के देखेंगे कैसे वैशंपायन ऋषि ने याज्ञवल्क्य को कह दिया कि मैंने तुमको इतना ज्ञान दिया, तुम ऐसे कहते हो, मेरा ज्ञान दो, चले जाओ वापस यहां से। उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया वापस और उसके बाद भगवान की प्रार्थना करी कि भगवान हमें और भी ज्ञान दो। भगवान ने उनको सब ज्ञान दिया है। इसलिए यह कोई अच्छी बुरी बात नहीं होती, हमारा ध्यान भगवान की लीला के तरफ रहे तो किसी प्रकार के विक्षेप मन में नहीं आएंगे। इसके और पहलू कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।